पूछोगे वेलकम बैक टू अवर चैनल यू मस्ट वॉच। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स का रिव्यू। और ये अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है और आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और यू मस्ट वॉच को सब्सक्राइब करना। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोनों प्रोडक्ट्स। तो एक ये है हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स। एक मैं फर्स्ट बात करूँगी आपके पास टोनर की। तो टोनर हमारे स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम सीरम का यूज़ करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो टोनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके लिए हमें एक अच्छे टोनर की नीड रहती है। तो ये जो टोनर है गुड वाइब्स का, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मैंने इसे पास्ट वन मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको। तो फ्रेंड्स, सो हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लास्टिक की बॉटल में है और ये हमें पंप के साथ अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं। और ये पंप से अवेलेबल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, यूज़ करने मिलता है। नेट वॉल्यूम इसके 120 ml है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और हम इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्राइस है 195। और गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com पे ही मिलेंगे। और आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, इसका बाय लिंक भी दे दूँगी और purple.site का भी लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं और इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके ऑनेस्ट रिव्यू देखने हैं और आपको अगर मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो एक बार आप जाके इसकी साइट पर भी इसका रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैंने भी रिव्यूज़ के बाद ही मंगाया और मैं उन रिव्यूज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई थी, क्योंकि मैंने अब से यूज़ कर लिया। और मैं आपको ये 101% श्योरिटी दे सकती हूँ कि एक बार अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली इसे बार बार यूज़ करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और ये विदाउट एनी अल्कोहल, नो अल्कोहल, नो पैराबेन, नो सल्फेट, ये हमें बिल्कुल क्रिएटी फ्री मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में एक टोनर, जो भी बहुत अच्छा कंपनी का हो, आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस टोनर के बारे में आपको बताती हूँ कि हमारे जैसे एक्ने, पिंपल्स, स्कार्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये हमारे स्कार्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वन लाइटन टोन करता है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे लिगोराइस है, ग्रीन टी आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस टोनर को एक बार जरूर परचेज करें और जरूर यूज़ करें। और सीरम का यूज़ करें, आप अपने फेस को क्लींस करें, क्लीन के बाद एक अच्छे से टोनिंग यूज़ करें और टोनर यूज़ करें और उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करें। ये सीरम का प्रोसेस आपको एक दिन में जरूर करना चाहिए, एक बार डे के टाइम और एक बार नाइट के टाइम, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई और हेल्थी रहेगी। और ये मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह होती थी कि मैं अच्छे से क्लीन तो कर लेती थी पर टोनिंग वगैरह नहीं करती थी। टोनिंग क्या है, जो हमारे ओपन पोर्स है उसे भी टाइट करने में और श्रिंक करने में उन्हें भी हेल्प करता है। और बहुत ज़्यादा टोनिंग के बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं, मैं आपको किसको बता देती हूँ कि टोनिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारा फेस है और ये पंप से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और इसीलिए मुझे खासतौर पर इसीलिए पसंद आया कि पंप से बस आपको अपने आइस को क्लोज करना और इसे करना है, आपको अपने कलर आप करने से क्या है वो बहुत जल्दी वैसे ही अब्जॉर्ब हो जाता है, आप डैप करोगे, डैप करके ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अच्छा है ये आप एक बार। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कूलिंग है और बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, तो मैं इसे इतनी ज़्यादा कहते हैं हम आई डोंट नो क्या यूज़ करते हैं, कि जैसे हम जो हमारी एक फेवरेट चीज़ हो जाती है, तो मैं कहूँगी जनवरी फेवरेट मेरा ये ग्रीन गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर हो गया है डेफिनेटली, क्योंकि जब भी मैं इसे एकदम अपने फेस पे पंप से करती हूँ, स्प्रे करती हूँ, तो एकदम रिफ्रेश हो जाता है। मतलब आप कितने भी, मैं आपको डेफिनेटली शुरू कर सकती हूँ, आप कितने भी गुस्से में भी हो ना और एक बार आप इस बॉटल को उठाओ और स्प्रे कर लो, कूल डाउन हो गए, एकदम कूल डाउन, मैं डेफिनेटली श्योर, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आए उन्होंने बहुत अच्छे यूज़ करें, विदाउट केमिकल यूज़ करें, इससे अच्छा और कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता है। इसमें आपको बताते हैं आपको स्टेप्स पंप लेना है, अपने हाथ पे स्प्रे करना है, सो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रनी है और बिल्कुल अच्छी है, आपको इस टाइप से जेंटली हाथ से रब करते हुए और एकदम ना हमें मतलब इमीडिएटली ग्लो टोनर प्रोवाइड करता है, ग्लो की तरह आप देख सकते हैं, सो एकदम से बिल्कुल ग्लो आ जाता है चेहरे पे। सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, ये हमें प्लास्टिक की बॉटल में मिलता है, पंप के साथ मिलता है, जो कि इजी कन्वीनियंट हो जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ हमें 2022 तक मिलती है, इसकी जो प्राइस है 195 है, बट पर्पल पे हमेशा ही डिस्काउंट चलते रहते हैं, हमेशा ही सेल चलती रहती है, तो आपको ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा, 195 से बहुत ज़्यादा लोअर रेट में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी purple.com की अगर आपने मेरा पर्पल हॉल ना देखा हो तो प्लीज़ मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, तो आपको इसका प्राइस एक्जैक्ट प्राइस भी पता। सो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल पिल ऑफ मास्क। ये हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन से जो भी डर्ट्स वगैरह, जो पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है हमारे डर्ट्स पर, उसे भी रिमूव करता है। बस आपको इसे यूज़ करने से पहले अगर आपको इसको 100% रिजल्ट देखना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, आप कभी भी इसे यूज़ करें तो उससे पहले आप स्टीम ले लें और स्टीम चारकोल पिल ऑफ मास्क को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर अच्छे से लग जाएगा और जब आप उसे रिमूव करोगे तो इजिली रिमूव हो जाएंगे। तो मैं एक बार इसको आपको डेमो भी दिखा दूंगी। और इसके अंदर जो मेन इंग्रीडियंट है वो सिर्फ चारकोल है और आज के टाइम में चारकोल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, आप पेस्ट में ले लीजिए, आप जितनी भी चीज़ें, क्योंकि चारकोल एक कोल की तरह है और जो कि हमारे स्किन से डर्ट्स को, पॉल्यूशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाता है और हमारी स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो टैनिंग हो जाती है, जो भी हम सन वगैरह में विदाउट सनस्क्रीन निकल जाते हैं, तो उससे क्या है हमारे चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो इतना डार्क नहीं होता है, बट अगर हम उसे बिल्कुल भी लापरवाही करते जाएंगे और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो क्या है वो टैनिंग है, बट उसे हम विदाउट केयर करे चलेंगे तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो धीरे धीरे ही रिड्यूस होता चला जाएगा और वो डार्क होता जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्किन का बहुत दिखा दूँ कैसे अप्लाई करें और कैसे रिमूव करना है। ओके,
हम सब देख सकते हो किस टाइप से मैं स्ट्रीम ले रही हूँ, बिल्कुल सारा रेड हो गया है। और ये क्या है, ये हमारी जो स्किन को ना एकदम से ग्लो प्रोवाइड कर, मतलब जो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं ना उन्हें एकदम लूजन अप करेगा। और लूजन अप करने के बाद ये हम जो चारकोल फेस मास्क लगाएंगे वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और वो उसके अंदर जो रिमूव और डर्ट करने की पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले स्टीम लेना चाहिए, उससे हमें 101% रिजल्ट मिलते हैं। सो मैं इस स्टीम को कम से कम 5 to 10 minutes तक लूँगी। मैं 10 minutes लूँगी, आप चाहे तो 5 minutes तक भी ले सकते हैं। और आप ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे ड्राई होने के बाद। और हाँ, आप चाहें तो तब तक कोई बुक पढ़ सकते हैं या फिर अपना जूस इंजॉय कर सकते हैं या जो भी आपको काम करना हो उसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको उसको पैड ड्राई होने के बाद रिमूव करने के टाइम पे। सो बाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुका है और मुझसे बोला भी जा रहा है, काफ़ी टाइट हो गया और कहीं कहीं से अभी भी हल्का हल्का गीला सा है। सो बाकी मैं इसे एक बार रब करने के देखती हूँ। अभी हमको यहाँ से पीना है, तो आप देख सकते हैं स्किन कितनी क्लियर और कितनी ग्लोई सी लग रही है, तो फ्रेश सी लग रही है। अगर किसी भी आईब्रो के बालों पे भी लग गया है तो देख सकते हैं मुझे एकदम से कितना ग्लो नजर आ रहा है फेस पे। और मैंने इसे बिल्कुल रब कर छुटा लिया और अब मैं आपको इसके फेशियल हेयर्स दिखाऊंगी। इसमें ना कुछ पे दिखाऊंगी, आई थिंक आपको पता नहीं शो हो रहा होगा नहीं हो रहा, इस पर ना फेशियल हेयर्स मेरे हिसाब से तो शो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया स्किन एकदम से, बिल्कुल डलनेस सा जो चेहरा होता है। और जबकि मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसे रिमूव करा और कितना ग्लो सा लग रहा है मुझे अपने चेहरे पे। तो बात कर लेते हैं कि इसे जो चारकोल है ना, ये हमारी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है, हमें डीप हमारी जो स्किन है उसे डीप क्लींस करने में हेल्प करता है। और जो हमारे अंदर जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और जो डेड सेल्स हो जाती है ना, जैसे कि हमारे ज्यादातर जो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स होते हैं इस पोर्शन में होते हैं मोस्ट लोगों के, और इस पोर्शन होते हैं। तो मैं आज देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल एकदम स्मूथ सी हो गए, एकदम फाइन सी हो गए। थिक लेयर अप्लाई करनी होती है और 15 से 20 मिनट बाद जैसे ये ड्राई हो जाता है हमें इसे हटा देना। वो अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कूलिंग होता है इफेक्ट और जो सन टैनिंग हो जाती है उसे भी रिमूव करता है। सो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एकदम अफोर्डेबल है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी 2022 तक है और इसकी जो प्राइस है वो 249 का था, बट मुझे ये डिस्काउंट पे मिला था। तो आप इसे एक बार जरूर जाकर ट्राई करना। अभी 8 फरवरी और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना। यू मस्ट वॉच को सब्सक्राइब।